एमपी के गुना राघोगढ़ नगर पालिका वार्ड नंबर 20 ग्राम पाडरखेड़ी में सड़क ना बनने से लोग परेशान हो रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से यहां पर सड़क का पुनर्निर्माण नहीं हुआ है, जिससे आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह जी को भी कई बार आवेदन देने के बाद ग्राम पाडरखेड़ी में सड़क न होने से भारी समस्या है। वहीं दूसरी ओर गांव वालों का कहना है कि कागजों में कई बार सड़क बनने की बात कही है। ग्रामीण जनों के अनुसार राघोगढ़ नगर पालिका के कर्मचारी तो कार्य करना चाहते हैं, परंतु ऊपर बैठे आला अधिकारी उनको काम नहीं करने देते। अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक पाडरखेड़ी में सड़क बनने का एक्शन लेता है। ये रोड करीब करीब मान लो 20 साल से नहीं बनी है। अच्छा हाँ, और ये नगर पालिका में कागजों में रोड बन गई, बन चुकी, डल गई कई बार। अच्छा, लेकिन धरातल में देखो तो आप किस लिए मैंने आपको बुलवाया, ये आप देखो, बरसात अभी तो ठीक है, सूखा है, बरसात में ये हालत हो जाती, मोटरसाइकिल से आदमी गिरता, कई के हाथ पे टूट गया, कई फ्रैक्चर पड़े गांव में। और मैंने इस बात को नगर पालिका में कहा है भाई रोड बनवाई, बोले टेंडर हो रहा, कर्मचारी तो हमारे काम करना चाहते हैं, नगर पालिका के कर्मचारी जो है वो बेचारे काम करना चाहते हैं, लेकिन राघोगढ़ में अब की क्यों, अब की सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का, उसके जलन के मारे क्यों क्षेत्रीय विधायक हमारे यहाँ के कांग्रेस के जयवर्धन सिंह जी वो भी नहीं चाहते काम विकास हो, वो कुछ चाहते भाई कांग्रेस हार गई तो भाजपा जीती, इसको मतलब नहीं होने दे, उनकी राजनीति दोहरीकरण इस प्रकार की है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।